हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं बेटा ब्लड के बारे में। देसी ट्रिक्स के साथ हम जानेंगे सीआर सिंह सर के द्वारा। देसी ट्रिक्स क्या है थोड़ा सा इसको हम स्टार्टिंग में आपको बता देते हैं। जैसे कि आप पढ़ते हैं एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। एरिथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। अब आप कैसे याद रखेंगे कि आरबीसी को ही हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे एरिथ्रो नाम वर्ड निकल के आ रहा है अर्थ। अर्थ अर्थ जब आप देखते हो नॉर्मली उसकी जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, रेड होती है। इसीलिए हम आरबीसीज को रेड ब्लड सेल्स बोल रहे हैं और उसी से हमने इस वर्ड को कोरिलेट किया है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मीन्स अर्थ। अर्थ कैसी होती है, मिट्टी कैसी है, रेड। उससे हम ध्यान रखेंगे आरबीसीज को। आगे हमारे पास है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के अंदर आप पढ़ते हैं बेटा लिक्विड। नॉर्मली ये याद करने के लिए है ल्यूकोसाइट मतलब लिक्विड। लिक्विड कैसा होता है, वाइट, मतलब हम इसको बोलेंगे वाइट ब्लड सेल्स। ओके, और एक लास्ट एक हमारे पास है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। जैसे कि आपको पता है प्लेटलेट्स में प्लेट जो होती हैं, प्लेट को आप किससे पकड़ते हैं, थंब से। भाई प्लेट को आप तभी रोक सकते हैं जब उसके साथ आप थंब को अंगूठे को अटैच करेंगे, इसीलिए हम बोलेंगे प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो पूरी वीडियो जानने के लिए ट्रिक्स के साथ क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल सीआर सिंह सर पर। हाँ जी, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बेटा, आपको पता है ब्लड जो होता है, ब्लड को हम बॉडी का फ्लूइड्स बोलते हैं। ये बेटा बॉडी फ्लूइड है। नॉर्मली जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर दो तरीके के फ्लूइड्स देखने को मिलते हैं। इन फ्लूइड्स की अगर हम बात करें, इसमें एक हमारे पास फ्लूइड है फर्स्ट, हमारे पास हो गया बेटा ब्लड, और सेकंड हो गया दूसरे की अगर हम बात करें लिम्फ। तो ये दो फ्लूइड्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं लिम्फ के बारे में। यहाँ आपका दे रखा है लिम्फ का। लिम्फ जो होता है बच्चे, ये इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बेटा टिश्यू फ्लूइड। क्योंकि ये एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड और टिश्यू की जो सेल्स हैं इनके बीच में ये फ्लो करता है, ठीक है। और साथ साथ में अगर हम बात करें तो इनके बीच में ये किस चीज़ को एक्सचेंज करता है, ब्लड के और टिश्यू सेल्स के बीच में ये एक्सचेंज करता है बच्चे न्यूट्रिएंट को और गैसेस को, नॉर्मली हॉर्मोन्स को, ठीक है जी, इन सभी को। ये एक्सचेंज करता है। ओके, तो इन सभी को ये एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो हमारे पास ब्लड क्या हो गया, एक टिश्यू फ्लूइड हो गया जो न्यूट्रिएंट्स, गैस और हॉर्मोन्स को एक्सचेंज करने का कार्य करता है। और हम इसको सिंपल में ऐसे बोल सकते हैं कि ये कैरियर का कार्य करता है इन दोनों के बीच में। ओके, इसके बाद हम जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं बेटा, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, मीन्स इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इंटर स्टीटियल फ्लूइड। तो बेटा हम इसको एक और नाम से जानेंगे, इंटर स्टीटियल फ्लूइड्स। ये जो लिम्फ होता है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं बेटा लिम्फ की, तो ये जो लिम्फ है
सॉरी फॉर दैट, ये एक कलरलेस फ्लूड होता है, ये कलरलेस फ्लूड है, ठीक है जी। नॉर्मली लिम्फ को हम कलरलेस फ्लूड के नाम से जानेंगे। इस फ्लूड के अंदर कुछ स्पेशल लिम्फोसाइट्स रहती हैं, ठीक है जी, और ये हेल्प करती हैं इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स करने में, हेल्प इन इम्यून रेस्पॉन्स, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इम्यून रेस्पॉन्स क्या है बेटा, आपने पढ़ा होगा नॉर्मली लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये इम्यून रेस्पॉन्स को बनाए रखती हैं, बीमारियों से हमारी जो बॉडी है वो कंटिन्यूस लड़ती रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बनी रहे। एक और आप सिस्टम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम, इसको हम बोलेंगे बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, नॉर्मली ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कलेक्ट करता है इसको टिश्यू फ्लूड को, और इस फ्लूड को कलेक्ट करने के बाद ट्रांसफ़र कर देता है इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है, लार्ज वेंस के अंदर, इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से जानेंगे। ओके बेटा, तो ये हमारे पास हुआ लिम्फ से रिलेटेड। आगे मैंने आपको बताया था कि लिम्फ जो होता है मींस बॉडी के अंदर जो फ्लूड्स हैं उसके अंदर हम दो फ्लूड्स के बारे में पढ़ते हैं, एक ब्लड के बारे में, दूसरा लिम्फ के बारे में। लिम्फ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आगे आप इसमें पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा, ब्लड के बारे में। तो नॉर्मली जो ब्लड होता है ये दो सबस्टांस से मिलके बनता है, एक इसमें हमारे पास हो गया जी प्लाज्मा का और दूसरे हमारे पास हो गए फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की तो ये हमारे ब्लड के अंदर 55% पार्ट को कवर करता है, और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये कवर करते हैं 45% पार्ट को। तो ब्लड का टोटल जो 100% पार्ट है उसमें से 45% तो हमारे पास रहेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, और दूसरे जो हमारे पास हैं इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। तो अब हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। नॉर्मली प्लाज्मा जो है ये एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूड है, स्ट्रॉ कलर्ड ये फ्लूड होता है, और साथ में ये थोड़ा सा विस्कस फ्लूड होता है, ये थोड़ा सा विस्कस नेचर का होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मीन्स थोड़ा सा आपका स्ट्रॉ कलर का थोड़ा सा गाढ़ा ये फ्लूड होता है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ परसेंटेज के बारे में। नॉर्मली प्लाज्मा के अंदर 6-8% जो हैं प्रोटीन्स होती हैं बेटा, इसके अंदर क्या है 6-8% प्रोटीन्स हैं। इसके बाद प्रोटीन्स के साथ साथ इसके अंदर 90 से 92% इसके अंदर वाटर मिलता है जी, ठीक है जी। और अगर हम बात करें इसके अंदर मिनरल्स और आयंस भी मिलते हैं प्लाज्मा के अंदर। मिनरल्स कौन कौन से हैं बेटा, सोडियम का है, कैल्शियम का है, मैग्नीशियम है, कार्बोनेट आयंस हैं,
ठीक है जी, और क्लोरीन्स आयंस हैं ये कुछ इसके अंदर मिलते हैं, साथ साथ कुछ अमाउंट में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स ये भी इससे मिलते हैं इसके अंदर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। इसके अंदर बेटा तीन मेन प्रोटीन्स होती हैं, इसको हम ट्रिक से जानेंगे प्रोटीन्स को, ठीक है जी। अब प्रोटीन्स जो होंगी उसमें तीन प्रोटीन्स हैं, एक है बेटा फिब्रिनोजन, दूसरी है जी हमारे पास ग्लोबुलिन और थर्ड है बेटा एल्बुमिन। देखो ग्लोब जो होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ग्लोब जो होता है सब क्या, पूरे ग्लोब के अंदर क्या पहने जाते हैं बेटा, क्लॉथ्स पहने जाते हैं, तो क्लॉथ से हमारे पास वर्ड बना क्लॉटिंग। तो फिब्रिनोजन मदद करती है किसमें, क्लॉटिंग में, ठीक है जी। तो पूरे ग्लोब के अंदर मींस जो फाइबर्स जो होते हैं, मींस नॉर्मली अगर हम बात करें धागे जो होते हैं वो क्लॉथ्स के अंदर पाए जाते हैं। अब पूरा जो ग्लोब है सब चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, मतलब वो कार्य कर रही हैं डिफेंस का, किसका कार्य कर रही है बेटा ये डिफेंस का। अब लास्ट है हमारे पास एल्बुमिन, एल्बुमिन से हम याद रखेंगे आलू को, आलू के मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, तो इससे याद रखेंगे इसका फंक्शन क्या हो गया, ऑस्मोटिक बैलेंस का, तो ये कार्य करती है ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर, ये आप ध्यान रखेंगे तीनों के फंक्शन है। ये आपके पास प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स हमारे पास हैं इसमें फिब्रिनोजन है बेटा, ग्लोबुलिन है और एल्बुमिन है। फिब्रिनोजन फाइबर्स क्लॉथ से बनते हैं, तो इससे फंक्शन हमने याद रखा क्लॉटिंग, इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, क्लॉटिंग को हम कोएगुलेशन के नाम से और जानते हैं। इसको हम बोल सकते हैं बेटा को एगुलेशन, ठीक है जी। यही फिब्रिन जो प्रोटीन है ये ब्लड के कोएगुलेशन में मदद करती है। एक और आप इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर ये कोएगुलेशन नहीं हो, मीन्स ऐसी प्रोटीन्स जो कोएगुलेशन में मदद नहीं करती हैं, ठीक है, मीन्स कोएगुलेशन अगर नहीं हो, एंटी कोएगुलेंट जो प्रोटीन्स होती हैं इसको हम सीरम के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बेटा, सीरम के नाम से, ये आप ध्यान रखें। तो ये आपका ये पोर्शन अभी तक हो चुका है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि फॉर्म जो एलिमेंट्स हैं इसमें फर्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है ये जी हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स। इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि अर्थ जो होती है उसके ऊपर सॉइल पाई जाती है और सॉइल का कलर होता है रेड, वहाँ से आप याद रखेंगे एरिथ्रोसाइट्स को। एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं इनकी संख्या, रेड ब्लड सेल्स के नाम से हम इसको जानते हैं, इसकी संख्या 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होती है, ठीक है। ये मिलीमीटर ऑफ क्यूबिक, पर क्यूबिक ऑफ ब्लड है, ठीक है जी, पर क्यूबिक ऑफ ब्लड के अंदर ये पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी फॉर्मेशन की, तो बेटा आरबीसी की फॉर्मेशन जो है वो रेड बोन मैरो के अंदर होती है। आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, रेड बोन मैरो के अंदर। अगर हम इनकी बात करते हैं शेप की, तो इनकी जो शेप होती है वो बाई कॉनकेव शेप होती है। कौन सी शेप है जी इनकी, बाई कॉनकेव, ओके, और साथ में ही स्फेरिकल भी होती है। जैसे ये तो आपकी होगी स्फेरिकल, सामने से अगर आप इसको देखोगे तो स्फेरिकल शेप की, और फ्रंट से आप इसको देखोगे तब आपके पास ये बाई कॉनकेव शेप है, और साइड से आपको ये दिखती है स्फेरिकल जैसी, ठीक है। तो इसकी स्फेरिकल शेप हो गई।
नॉर्मली आरबीसीज जो हैं इनका लाइफ स्पन जो होता है, लाइफ स्पन ये होता है बेटा 120 डेज का। इसके बाद क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है 120 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और कहाँ पे होती है ये डेथ, इनकी स्प्लीन के अंदर, ठीक है। इसको हमें हिंदी में तिल्ली बोलते हैं और स्प्लीन को हम ग्रेवे यार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं, ग्रेवे यार्ड ऑफ आरबीसीज मींस आरबीसीज का कब्रिस्तान हम इसको बोलेंगे, ओके। अब नॉर्मली बेटा जो आरबीसीज होती हैं ये रेड कलर की होती हैं, ठीक है जी। ये कैसे कलर की होती हैं बेटा, ये हैं हमारे पास रेड कलर की आरबीसीज होगी रेड कलर की। इसके अंदर एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होती है, मीन्स आयरन प्रोटीन्स इसके अंदर पाई जाती है। कैसी प्रोटीन होती है इसके अंदर, आयरन प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, इसको हम जानेंगे हीमोग्लोबिन के नाम से। हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है अगर हम बात करें पर 100 ml ऑफ ब्लड तो ये पाया जाता है बेटा 12 to 16 ग्राम। कितना होता है जी, 12 to 16 ग्राम ये पाया जाता है। अब साथ में ही हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या कार्य करता है जी, हीमोग्लोबिन हेल्प करता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन में, ये हेल्प कर रहा है जी ट्रांसपोर्टेशन में। ये ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का, रेस्पिरेटरी गैसेस का ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आरबीसीज रेड कलर की होती हैं क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन जो है वो डब्ल्यूबीसीज के अंदर भी होती है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो ये हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब होगा तो वो अपने कलर को इंडिकेट नहीं कर पाता है। जैसे कलर इंडिकेट नहीं होगा तब वो कलरलेस हो जाती है, मीन्स वो वाइट कलर की सेल्स बन जाती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हमारे पास है ल्यूकोसाइट्स, ओके बेटा। ल्यूकोसाइट्स नॉर्मली अगर हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की, तो बेटा ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं, यही जो आपके ल्यूकोसाइट्स हैं इसको हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी, तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज के अंदर यहाँ हीमोग्लोबिन क्या है बेटा इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है जी। तो यहाँ अगर हीमोग्लोबिन एब्सेंट है तो प्रेजेंट क्या होता है इसके अंदर, प्रेजेंट होता है जी न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है जी इसमें, इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसीज के अंदर। अगर हम इसके नंबर की बात करते हैं, नंबर की, तो इनका जो नंबर है, इनकी जो संख्या है वो 6000 to 8000 millimeter ऑफ पर क्यूबिक ऑफ ब्लड होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनके टाइप्स की, इसी के जो टाइप्स हैं ल्यूकोसाइट्स के, मेनली आपके 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं ल्यूकोसाइट्स के। यहाँ हम बात कर रहे हैं बेटा टाइप्स की, तो इसके जो टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट टाइप आता है ग्रेनुलोसाइट,
ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं? देखो अब आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमने माना कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी है इस पे पाए जा रहे हैं भाई कुछ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स को हमने मान लिया कुछ दाने जैसी संरचनाएं इसके ऊपर पाई जा रही हैं। अब ये ग्रेन्यूल्स जो होंगे, ये जो ग्रेन्यूल्स होंगे ये आपके नए नए होंगे, नए से यहाँ पर बना न्यूट्रोफिल्स, नए से हमने यहाँ पर बनाया न्यूट्रोफिल्स, ठीक है जी। और अब ये नए हैं तो ये गोलाकार आकृति के होंगे और आपको दिखाई देने स्टार्ट होंगे, मीन सीन होने स्टार्ट होंगे। इससे आपका बना इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स। और ये किसी ना किसी सरफेस पे होंगे, मतलब बेस पर होंगे, तो इससे बना बेसोफिल्स। तो तीन यहाँ पर आपको इसके टाइप्स देखने को मिलते हैं ग्रेनुलो साइट्स के, तीन इसके टाइप्स हैं। न्यूट्रोफिल्स मीन्स ग्रेन्यूल्स अगर दाने हैं, ये याद करने के लिए है, तो वो नए दाने होंगे तो न्यूट्रोफिल्स, आपको दिखाई देने स्टार्ट होंगे, सीन होने स्टार्ट होंगे तो इसिनोफिल्स, और वो बेस पे होंगे, किसी बेस पर आपके ये कोई भी जो ग्रेन्यूल्स हैं, दाने जो हैं वो होने स्टार्ट होंगे, उसको बोलते हैं बेसोफिल्स। ये इसको याद करने के लिए है। अब यहाँ न्यूट्रोफिल्स जो होता है इसकी जो परसेंटेज है ये आपके पाए जाते हैं 60-65% में। इसिनोफिल्स की जो परसेंटेज है वो 2-3% हो जाए, और बेसोफिल्स जो होते हैं वो 0-5% होते हैं, ये इनकी परसेंटेज होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं इनके फंक्शन, इसको हम इसके साथ एक साथ बताएंगे। दूसरा हम बात करते हैं, अब ग्रेन्यूल्स हैं, दाने होंगे बॉडी पर या दाने नहीं होंगे, तो इसको हमने बोल दिया ए ग्रेन्यूलो। ए का मतलब बायोम होता है विदाउट, ए ग्रेन्यूलो साइट्स। ये हो गए जी हमारे पास दूसरे ग्रेन्यूलोसाइट्स, और दूसरे हो गए बेटा ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। अगर हम बात करते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स की, जहाँ ग्रेन्यूल्स नहीं हैं, तो हमने एक बॉडी का अभी पार्ट पढ़ा है लिम्फ का, तो इसमें हम इंक्लूड कर देंगे लिम्फोसाइट्स को। किसको इंक्लूड कर देंगे जी? लिम्फोसाइट्स को। और दूसरा हम इंक्लूड, अब लिम्फ एक ही हमारी बॉडी के अंदर है तो हम उसको हम बोलेंगे मोनो, मोनो मतलब हो गया सिंगल, तो ये सिंगल होती हैं तो इसको हमने बोल दिया मोनोसाइट्स। जहाँ ग्रेन्यूल्स नहीं हैं उसको हमने बोल दिया लिम्फ, उससे हमने याद कर लिया नाम को लिम्फोसाइट, और ये सिंगल ही होती है तो यहाँ से हमने याद किया इसको मोनोसाइट्स। ओके बेटा, अब लिम्फोसाइट्स की जो परसेंटेज होती है ये 20-25% पाए जाते हैं, और मोनोसाइट्स जो होते हैं ये 6-8% होते हैं। ये होते हैं जी हमारे पास 6-8%। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे लिम्फोसाइट्स का, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये बेटा हेल्प करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स में। इससे दो तरह की सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, एक बी सेल और एक टी सेल्स, दो तरह की सेल्स प्रोड्यूस होंगी, और ये सेल्स हेल्प करेंगी किस में बेटा? इम्यून रेस्पॉन्स में, इम्यून रेस्पॉन्स। हमारी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो इन्हीं के द्वारा जो है बी और टी सेल्स उसमें कार्य करती हैं। ओके, तो ये आपका हो गया लिम्फोसाइट्स का। इसके बाद हमारे पास है जी मोनोसाइट्स। कौन सी हैं? मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स और दूसरी जो सेल्स हैं जिनको हम नाम से जान रहे हैं न्यूट्रोफिल्स के नाम से, ध्यान देंगे ये आपके न्यूट्रोफिल्स और ये आपकी मोनोसाइट्स, ये दोनों के दोनों ही कार्य करती हैं। किस में कार्य कर रही हैं भैया? एज फैगोसाइटोसिस। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर हो जाता है तो इसको किल करने का कार्य दो सेल का है, न्यूट्रोफिल्स का और मोनोसाइट्स का, न्यूट्रोफिल्स का और मोनोसाइट्स का, ये आप ध्यान रखेंगे। अब
यहाँ कार्य जो बचा है वो सिर्फ दो सेल का बचा है, एक इसिनोफिल्स और एक बेसोफिल्स। अभी बेस पर अटैच हैं, तो बेस से आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी बेस की, तो बेस पर नॉर्मली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती रहती हैं। इन्फ्लेमेशन होती है मतलब जलन होती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस यहाँ देखने को मिलती हैं। बॉडी का जो बेस है उस पर इन्फ्लेमेशन होती रहती है, जलन होती रहती है, ठीक है, तो उसको इंडिकेट करने में मदद करती हैं, ठीक है, उसको ये रोकती हैं जो भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो जाती हैं। किसके कारण आपको पता होना चाहिए, ये जो बेसोफिल्स हैं ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन को सीक्रेट करती हैं, तो ये सीक्रेट करती हैं बेटा एक तो हेपेरिन को, ठीक है जी, दूसरा हिस्टेमाइन को और तीसरा सेरोटोनिन को, तो इनको सीक्रेट करती हैं ये कौन सी सेल्स, बेसोफिल्स, ये आप ध्यान रखेंगे। एक इसमें लास्ट हमारा बचा हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं क्या, इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स जो 2-3% पाए जाते हैं, ये इन्फेक्शन को रोकते हैं, तो ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। एक तो ये रोक रहे हैं भाई इन्फेक्शन को, ठीक है जी, तो ये इन्फेक्शन को रोक रही हैं जी एक तो सेल्स, और दूसरी अगर हम बात करते हैं यही जो सेल्स हैं साथ साथ में कोई भी हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होती है, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो ये उसको भी प्रिवेंट करने का कार्य करती हैं, उसको भी प्रिवेंट करने का ये कार्य करती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये किसका कार्य हो गया जी, ये कार्य हो गया हमारे पास इसिनोफिल्स का। ओके बेटा, अब इसमें हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है नॉर्मली जिसको हम बात करते हैं, जिसकी हमारी बात हो रही है वह थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो मतलब थंब से, हमने बोला थंब से हम किसको पकड़ते हैं बेटा, प्लेट को पकड़ते हैं, तो प्लेटलेट्स हम वहाँ से नाम याद रखेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके लिए बता दिया था। अब प्लेटलेट्स को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं थ्रोम्बोसाइट के नाम से। ओके जी, तो हम इसको किस नाम से जान रहे हैं भाई, थ्रोम्बोसाइट के नाम से। अब ये जो आपके थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं इनकी अगर हम संख्या की बात करते हैं, नंबर की, तो इनका नंबर आपका 150,000 मीन्स 150,000 से ये आपका 350,000 तक होता है, मिलीमीटर ऑफ पर क्यूबिक ऑफ ब्लड, इतने में ये पाई जाती हैं, ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात होगी जी नंबर की, नंबर की बात होगी। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं ये प्रोड्यूस होती हैं किसके द्वारा भाई, नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं किससे प्रोड्यूस हो रही हैं भाई, ये एक स्पेशल टाइप की हम बोलेंगे मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स, ये एक प्रकार की सेल है जो किसके अंदर पाई जाती है, बोन मैरो के अंदर। तो ये जो सेल्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, बोन मैरो के अंदर पाई जाती हैं। इसी के अंदर एक और हम पढ़ते हैं, ये प्लेटलेट्स किस में कार्य करती हैं, तो इनका वर्क होता है कोएगुलेशन में, इनका वर्क है बेटा कोएगुलेशन में। कोएगुलेशन हम किसको बोलेंगे, ब्लड क्लॉटिंग को, तो इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, किस नाम से, ब्लड क्लॉटिंग, इसको हम एक और नाम से जानेंगे ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करती हैं क्या बेटा, प्लेटलेट्स, ये आप ध्यान देंगे। साथ में ही अगर प्लेटलेट्स की जो संख्या है
मीन्स नंबर है, अगर ये नंबर डिक्रीज हो जाता है, ये जो नंबर है डिक्रीज हो जाता है, तो इससे डिजीज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर। मीन्स ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, डू नॉट क्लॉट ऑफ ब्लड, तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में एक और आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, हेपेरिन जो होता है ये ब्लड के अंदर पाया जाता है, आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर हेपेरिन होता है, तो ये स्टार्टिंग में इनएक्टिव स्टेज में होता है। किस में होता है बेटा? इनएक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है। और साथ में ही किस में है ये? ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये इनएक्टिव स्टेज के अंदर पाया जाता है। हेपेरिन के कारण ही ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन्स के अंदर जमता नहीं है, और जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है, सॉरी यहाँ पर मैंने आपको इनएक्टिव बता दिया है, ये इनएक्टिव नहीं है बेटा, ये एक्टिव है, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में हेपेरिन ब्लड के अंदर एक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है, और जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है जी। और इनएक्टिव होते ही मीन्स नॉर्मली जो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पा रही थी ब्लड वेसल्स के अंदर, वो ब्लड क्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है दो प्रोटीन्स की मदद से, जिसमें हमारे पास होती हैं फिब्रिन और थ्रोम्बिन। फिब्रिन और थ्रोम्बिन इन दोनों की मदद से और कैल्शियम आयंस की मदद से क्या होता है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है जी। तो ब्लड की क्लॉटिंग होती है। अभी हमारा जो पूरा चैप्टर हुआ है इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास बेटा थ्रोम्बोसाइट्स हैं, क्या हैं बेटा? हमारे पास हैं ये थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो जो साइट्स होती हैं इनको हम प्लेटलेट्स के नाम से जानेंगे। इनका जो नंबर है, इनका नंबर कितना होता है भाई पर क्यूबिक ऑफ ब्लड के अंदर? इनका नंबर होता है जी हमारे पास 150 लाख से, मीन्स 150,000 से 350,000, ये इनका नंबर होता है। ये प्रोड्यूस होती हैं किसके अंदर? मैक्रोसाइट्स के अंदर, ठीक है जी। काम क्या होता है इनका? कोएगुलेशन का कार्य होता है, ब्लड को जमाने का कार्य करती हैं, ठीक है जी। और ये सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये आपकी पाई जाती हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है, मीन्स ब्लड जो होता है वो बॉडी के अंदर जमता नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे, ओके बेटा। साथ साथ में ही अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे, ल्यूको जो साइट्स है इसके अंदर हीमोग्लोबिन तो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। इनका जो नंबर है वो 6,000 to 8,000 मिलीमीटर ऑफ पर क्यूबिक ब्लड होता है। इसके तीन टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, जिनकी परसेंटेज आप ध्यान रखेंगे 60-65%, 2-3% और 0.5-0.5%। न्यूट्रोफिल्स जो नई नई सेल्स हैं और जो सिंगल सेल्स हैं ये फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं बेटा, और साथ में ही इसिनोफिल्स इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से मदद करती हैं हमारे पास बेसोफिल्स। लिम्फोसाइट्स ये इम्यून रेस्पॉन्स में मदद करती हैं, 20-25% पाई जाती हैं, जो कि टाइप है किसका? ए ग्रेनुलोसाइट का। और ये जो बाकी के टाइप्स हैं किसके हैं? ग्रेनुलोसाइट के।
और ये किसे मदद कर रही है बेटा, इम्यून रेस्पॉन्स में। इसके बाद RBCs जो हैं इनको भी आप एक बार फिर से देख लेंगे। RBCs जो होती हैं नॉर्मली जो ह्यूमन ब्लड्स है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं RBCs की, तो इनको हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 5 मिलियन to 5.5 मिलियन तक होती है पर क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है जी। इनकी फॉर्मेशन रेड बोन मैरो के अंदर होती है बेटा, और इनकी शेप बाइकॉनकेव शेप होती है। लाइफस्पन 120 डेज का होता है। डेथ इनकी होती है बेटा स्प्लीन के अंदर, इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC के नाम से भी जानते हैं। इनका रेड कलर होता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और एक आयरन प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन हर 100 ml के अंदर 12 से 16 ग्राम होता है। ये हीमोग्लोबिन जो है या फिर रेड ब्लड सेल्स हैं क्या कार्य करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं गैसेस का, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस बेटा एब्सेंट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूड होता है। इसके अंदर 6 to 8% प्रोटीन्स पाई जाती हैं, 90 to 92% वाटर होता है। कुछ मिनरल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं जिसमें हमारे पास हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट आयंस और क्लोरीन आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो है मदद कर, इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उसमें 3 मेन प्रोटीन्स हैं, फिब्रिनोजन बेटा, एक ग्लोबुलिन और एक एल्बुमिन। ये मदद करती है क्लोटिंग में, ये मदद कर रही है डिफेंस में, और ये मदद कर रही है हमारे पास ऑस्मोटिक बैलेंस में। क्लोटिंग को हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के नाम से भी जानते हैं, अगर ये नहीं होता है तो इसको हम बोलेंगे मीन्स एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन जो है वो है सीरम, ओके बेटा। और इनकी संख्या यहाँ 55% होती है और ये आपके पास है कितने परसेंट, मीन्स 45%। और लास्ट इसमें एक बार फिर से जो हम रिवीजन कर ही रहे हैं तो इस टॉपिक को भी हम पूरा कर ही लेते हैं। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं और दूसरा नाम है इसका इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स। ये जो है बेटा टिश्यू सेल्स के अंदर पाया जाता है। न्यूट्रिएंट, गैस, हॉर्मोन्स, इन सबको ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है, मीन्स ये एक्सचेंज करता है और उनको कैरियर का भी कार्य करता है। ये कलरलेस फ्लूइड होता है बेटा, और साथ में ही इससे कुछ स्पेशल लिम्फोसाइट, आपने नाम सुना होगा, ये इम्यून रेस्पॉन्स में मदद करती हैं। इसी से एक सिस्टम, स्पेशल सिस्टम बनता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम कलेक्ट करता है इस टिश्यू फ्लूइड को जो लिम्फ है और इसको ट्रांसफ़र कर देता है बेटा बड़ी बड़ी वेंस के अंदर, ओके बेटा। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे, आज हमने पढ़ा है ब्लड के बारे में, ठीक है जी, कुछ ट्रिक्स के साथ। आपको हमारी वीडियो, हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।